ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के आदित्य ने न्यूजीलैंड में 12,000 फीट पर हवाई जहाज से छलांग लगाई और सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ज्यादातर युवा ऐसा साहस केवल फौज में दिखाते हैं, लेकिन सोलन के आदित्य ने ऐसा कर दिखाया है। यही वजह है कि आज आदित्य के स्काई डाइविंग का ये वीडियो वायरल हो चुका है और युवा आदित्य के इस रोमांच और साहस से भरी छलांग का अनुभव लेने के लिए वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे हैं। सोलन के आदित्य ने न्यूजीलैंड में 12,000 फीट पर हवाई जहाज से छलांग लगाई और सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ज्यादातर युवा ऐसा साहस केवल फौज में ही दिखाते हैं, लेकिन सोलन के आदित्य ने ऐसा कर दिखाया। यही वजह है कि आदित्य स्काई डाइविंग का ये वीडियो वायरल हो चुका है और युवा आदित्य के इस रोमांच और साहस से बड़ी छलांग का अनुभव लेने के लिए वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल के जिला सोलन का युवक आदित्य पूरी न्यूजीलैंड में पढ़ने गया था, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर वही अपने भविष्य की तलाश भी आरंभ की और आज वे विदेश में न केवल अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि वे उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है जो इस जहां से कुछ अलग और हटकर करना चाहते हैं, जिसमें बेहद साहस की आवश्यकता होती है। छोटे दिल वाला तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो आपको बता दें कि आदित्य ने आखिर विदेश में क्या साहस दिखाया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आदित्य के पिता विजयपुरी इस साहसिक कदम में अपने बेटे के साथ हैं और हमेशा उसके प्रेरणादायक रहे हैं, और जो भी आदित्य फैसला लेते हैं वे हमेशा उसके साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि आदित्य का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब वह पानी के अंदर जाकर स्कूबा डाइविंग करने को भी मन मना रहा है। आदित्य के पिता ने बताया कि उनका बेटा अब वहाँ काम करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बना रहा है और काफी युवा अब उसे फॉलो भी करने लगे हैं, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं और वे अपने आप को आज गौरव महसूस कर रहे हैं कि आदित्य उनका बेटा है। एक्चुअली वैसे तो वो पहले पढ़ाई करने गया था वहाँ पर, और उसको कैमरा का बड़ा शौक है, कैमरा मतलब पिक्चर्स खींचना, वीडियोस बनाना, और उसके माइंड में आया कि भी क्यों ना मैं ये जो वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करूं। तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 2018 में उसने वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो धीरे धीरे वो बनाता गया। अब उसके माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ जो है लोग जाते हैं, तो मैं भी जाके देखूं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और उसने हवाई जहाज से 12,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। मन में तो उसके आया ही, जैसे कि उसने अपनी वीडियो में भी कहा है कि कुछ डर तो लगा, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद तो उसने ये काम किया। तो जैसे इतनी ऊपर हाइट से छलांग लगाई, जब आपको पता चला तो आपको कैसा लगा? आपको डर लगा? मुझे सच डर नहीं लगा, बिकॉज आई नो उसका जो माइंड सेट है, मैं अपने बच्चे के बारे में जानता हूँ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है शुरू से लेके आज तक, बचपन से लेके आज तक वो ऐसे ऐसे कार्यों में रहा है और कभी डरता नहीं है, और वो चाहता कि मैं जो लोग कर रहे हैं वो हम क्यों ना करें और हम करके देखें। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ डन, और आगे भी उसका विचार है कि 12,000 की ऊंचाई से तो मैंने छलांग लगा दी है, आने वाले समय में ही इज़ प्लानिंग फॉर 20,000 फीट। आई एम प्राउड ऑफ माय सन एंड ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब, और आगे भी इंशाल्लाह वो करता रहे, कुछ ऐसे कार्य करता रहे, और उनके अंदर जुनून जो है वो व्यापित रहना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो इवेंट्स हैं, जैसे कि हाइट से छलांग मारना, बंजी जंपिंग है, और अंदर सी वाटर में जाने के बाद जो है वो भी शूट करने का आगे उसका विचार है। आदित्य से जब इस बारे में पूछा गया तो मीडिया से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिस दिन वे ये साहसिक कदम उठाने जा रहे थे तो उस दिन सुबह सुबह उन्होंने काफी प्रेरणादायक वीडियोस देखी और अपना हौसला बढ़ाया। वही उन्होंने कहा कि उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता है, लेकिन जब वह जहाज से छलांग लगाने जा रहा था तो डर का कुछ देर के लिए एहसास जरूर हुआ था, लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें लगा कि वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां डर नाम की कोई चीज नहीं है। आदित्य ने बताया कि डर के दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन दुनिया है।
दिन मैं स्काईडाइव करके आया, उस दिन फेसबुक पे मैंने चेकिंग डाला था, मैंने फेसबुक पे पिक्चर्स डाली थी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करी थी एंड काफी लोगों ने मुझे डीएम किया एंड पिक्चर्स के नीचे कमेंट किया कि दे वांट टू डू समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज ऑन देयर बकेट लिस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड काफी लोगों ने ये भी डीएम किया कि हम लोग भी ये करना चाहते हैं लेकिन बस डर लगता है। तो जिन जिन को डर लगता है उनको मैं बता दूं कि जिस दिन मैंने स्काईडाइव करनी थी उस दिन सुबह उठकर मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज देखी हैं, मैंने स्काई डाइव की काफी वीडियोस देखी थी ताकि जो हल्का फुल्का डर है वो दूर हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को फियर ऑफ हाइट्स नहीं है एंड आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिसको एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद है। आदित्य ने बताया कि जब वह छलांग मारने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले कुछ उन युवाओं से बात कर उनका अनुभव जानने का प्रयास किया जो ये पहले स्काई डाइविंग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसका साहस बढ़ाने के बजाय उसे डराना आरंभ कर दिया, लेकिन उनसे हार नहीं मानी क्योंकि वह खुद से ये कमिटमेंट कर चुका था कि वे उनसे पीछे हटने वाला नहीं है और यही वजह रही कि वे साहसिक खेल कर पाए। वहां पे तीन चार लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी स्काई डाइव कर रखी थी एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछ लिया कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस ऑफ स्काई डाइव एंड किसी ने भी पहली बारी में मुझे ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा था या बहुत अमेजिंग था, उल्टा पहली बारी में उन्होंने मुझे डराया एंड सेकेंड टाइम पूछने पर उन्हीं लोगों ने ये बोला कि यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्काई डाइव की जो फीलिंग है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स।